हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ना बहुत मज़े से आज मैं कहीं जा रही हूँ। आपको मैं बताऊँगी आज मैं क्या करने जा रही हूँ। आज मैं और मेरी फ्रेंड आज उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हिंदुस्तान की तरफ से। एंड सो आज हम वहीं जा रहे हैं। साड़ी वाड़ी पहन के तो मैं रेडी हो गई हूँ एकदम। बहुत टाइम लगा पता है मुझे, कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए रेडी होने में। साड़ी पहनने में स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ। कैब भी मैंने बुक कर दी, तो मेरी कैब आ रही है, सो मैं उसका वेट कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड भी मुझे बहुत चिल्ला रही है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो जल्दी। मैंने कहा क्या करूँ, कैब वाले को 3 बार कॉल किया और अभी तक वो नहीं आया। सो या आई डोंट नो, मैं इतनी सीरियस क्यों लग रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली कैब वाले बैठे थे ना, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में। देन फिर मैंने डायरेक्शन भी बताया उनको, क्योंकि उनको थोड़ा पता नहीं था क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से। एंड कैब आ गई, मैं बैठी, उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी यार कि साड़ी पहना है एंड मैं मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। एंड देन श्रद्धा आ गई भाई, बहुत मज़ा आया। क्या देखो, हाय आस्था जी, इसने भी साड़ी पहनी। थैंक यू, पूरा एकदम आग लगा। चलो ठीक है, एक मिनट बात करती हूँ मैं। एंड यहाँ आशा दीदी ने फ़ोन रखा एंड विकास सर का कॉल आ गया, तो श्रद्धा वहाँ बिजी हो गई। विकास सर हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज़र हैं जो हर जगह शो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो इस बार श्रद्धा ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था इलाहाबाद में बड़ी कोठी में। आपको चलो मैं आज बड़ी कोठी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर। अमन वहाँ पे ओनर है एंड हम लोग के फ्रेंड भी हैं। उन यार सच में बहुत अच्छा है बड़ी कोठी, बहुत ही सुंदर। एंड पहली बार श्रद्धा ही मुझे बताई थी बड़ी कोठी के बारे में, बहुत सुंदर। आप इसकी तो हमेशा फोटो लेते हो। हाँ सुंदर लगता है ना यार ये ब्रिज। सुन एक सेकंड, बन जाने दे यार इस थेड़े। हैरी हमसे आगे भागे जा रहे हैं, बट हम उन्हें देख लिए, उन्हें लगता है कि वो पहले आ गए हैं, जो कि हम जान चुके हैं कि ये टाइम से नहीं पहुंचे। 9 बजे पहुंचने वाला इंसान अब पहुंच रहा है। एंड हम पहुंचने वाले हैं, ये पतली सी एक गली मिलती है जिसमें हमें डर लगता है। स्टार्टिंग में हमने देखा ना, तो हमें लगा कि शायद नहीं जा पाएगा, पर मुझे पता था, श्रद्धा को भी पता था कि कार निकल जाएगी क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं। बट ड्राइवर को शायद लग रहा था यार कार जा पाएगी कि नहीं, अगर उधर से कार आ गई तो कैसे मैनेज होगा, बट हो जाता है। तो हम पहुंचने वाले, ये पतली सी एक गली आ जाती है, ये पड़ता है। आप ना बड़ी कोठी गूगल पे डालोगे ना आपको मिल जाएगा। यार क्या क्या हेरिटेज है यार, इतना सुंदर, इतनी सुंदर, आप देखना आप फैन हो जाओगे। आपको लगेगा ना कि आप राजस्थान आ गए, इतनी सुंदर हवेली कह सकते हो उसे, हाँ है हवेली ही है वो, बहुत ही सुंदर। बहुत मतलब जितनी बार जाओ ना, अमन फिर से हमें बुलाओ प्लीज़। अगर वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ हमें फिर से बुलाओ। बहुत सुंदर है। एंड अमन वहाँ का ओनर है, वैसे तो वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे है, बट वो ओनर है, मतलब उन्हीं का बड़ी कोठी है। उसे एक पोस्ट मिली हुई है जिसमें हम लोग थोड़े मज़े ले लेते हैं कभी कभी, तो वो जनरल मैनेजर हो। मैनेजर बोलो तो कहते हैं जनरल मैनेजर हो। सो या बड़ी कोठी आ रही है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, आप देखोगे ना फैन हो जाओगे। मतलब इतनी सुंदर हवेली, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार। एंड फाइनली हम पहुंच गए, ये देखो ये देखो 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 कितना सुंदर है भाई, बस लग रहा है ना हम पहुंच गए राजस्थान, बोला था ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, मज़ा आ जाएगा आपको। आप एंट्री लो, एंड फाइनली मैं पहुंच गई यार। मैं इससे पहले भी दो बार आई थिंक मैं जा चुकी हूँ, यहाँ पे प्री वेडिंग भी हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत अंदर से भी बहुत सुंदर है। एंड ये एक होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, दोनों है, तो मैं होटल में रुक भी चुकी हूँ। मैं एक व्लॉग आपको शेयर करूँगी छोटा सा, उसमें हम लोगों ने बैचलरेट सेलिब्रेट किया था दीदी का, एंड बहुत मज़ा आया। 2 दिन हम रुके थे वहाँ पे एंड बहुत अच्छा है, खाना तो इतना टेस्टी है ना कि मत पूछो, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको खाना भी। एंड ये सो गाइज, मैं आ गई हूँ बड़ी कोठी एंड आई जस्ट लव इट। द होल एम्बियंस इज वेरी गुड, वेरी वेरी प्रिटी एंड इट लुक्स लाइक मैं राजस्थान में हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे।
सो ये एक रेस्टोरेंट एरिया है, आई मीन यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के खा सकते हो जो भी लंच डिनर जो भी ब्रेकफास्ट आपको करना है। एंड ऊपर फिर दो और फ्लोर्स हैं, बहुत सुंदर है। एंड ये मिरर तो मेरी फेवरेट प्लेस है यार, मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, मैं तीन से अभी तक मैं चार बार आई थिंक जा चुकी हूँ, यस चार बार जा चुकी हूँ, चारों बार मैंने साड़ी पहनी, तो मैं साड़ी रिपीट नहीं करती हूँ वहाँ जाने पर, क्योंकि एक मुझे स्पॉट्स पता है कि वहाँ वहाँ के स्पॉट्स में ना फोटोज़ बहुत अच्छी। गाइस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप ध्यान से सुनना, सब लोग यहाँ बहुत टैलेंटेड है मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरा ना इसमें थोड़ा कम मुझे आता है, मुझे नहीं आता इतना लिखना पोइट्री वगैरह, बट यहाँ पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे यार, बहुत टैलेंटेड लोग आए हुए थे भाई, मैं सुन के एकदम फ़ैन हो गई। सो इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठने में कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, यहाँ सब ठूस रहे हैं आप देख सकते हो, एंड मुझे भी मिल गया है यार, तो मैं क्यों छोड़ूं भाई फ्री का माल, तो मैंने भी कहा कि हाँ खाना है मुझे भी। देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो स्किप मत करना, आप देख लो पूरा, नहीं तुम लोग की गते बिगाड़ दूंगी मैं। धरती सिकुड़ जाए, मैं चाहता हूँ धरती सिकुड़ जाए और इतनी सिकुड़ जाए कि राजस्थान से चले मजदूर के रास्ते। एंड यहाँ पे सब कुछ फाइनली अब जाके ख़त्म हुआ, तो हम लोग आ गए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा देखने, क्योंकि यहाँ पे ना फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, अभी यहाँ छोटे छोटे झरोखे देखेंगे आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, एकदम राजस्थान लुक यार, इतना अच्छा। ये देखो कितना सुंदर, यहाँ पे काली माता का मंदिर है जो कहते हैं कि 200 साल पुराना है, समथिंग कुछ ऐसा, बहुत ही पुराना मंदिर है, जस्ट बगल में, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं। आप देखो ये देखो, यहीं से दिखने लगा वो झरोखा, अभी हम लोग जाएंगे एंड वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, बहुत ही सुंदर। ये देखो बहुत ही सुंदर स्पॉट है, यहाँ पे मैं जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर, ये देखो यहाँ पे सब लोग बाहर निकल आए एंड सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाँ किसकी कविता ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे हैरी भी आ गया, विवेक भी आ गए, अब ये दोनों ना हमारी फोटोज क्लिक करेंगे भाई, इनको तो मैं छोड़ती नहीं, मिलते हैं ना कहती भाई मालिक फोटो खींचो, हम दोनों एक दूसरे को मालिक कहते हैं एंड कहते हैं भाई फोटो खींचो हमारी, तो ये लोग जा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, फोटो अच्छी आएंगे, ये कंटेंट मेरा वाला नहीं आना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या सोचेंगे लोग कि कैसा लगता है, कुछ नहीं सोचेंगे, मेरे घर वाले मुझे छेड़ देंगे, बहुत मारेगी मुझे, डंडे डंडे देगी, वायरल होगी, वायरल बहुत मार खाऊंगा मैं, कहे कहे कि मेरा बैग उठाया नहीं तो दूसरों का उठा के का फोटोशूट चल रहा है, मैं हैरी मेरी फोटो जरूर खींचना। हाँ मेरे भाई का प्रीवेडिंग यहाँ हुआ था, मेरी एक भी फोटो नहीं है उस वक्त की, काम बहुत है, बहुत अच्छा शॉट आ रहा है, हैरी इधर से बैग पकड़े हुए ना इतना सही लग रहा है। नहीं,
आ रही बस तुरंत। बस कर यार श्रद्धा। देखा ना कितना सुंदर है यार ये हवेली ही एक्चुअली बहुत सुंदर है। हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली, यहाँ पे मैंने भी क्लिक करा लिया एंड श्रद्धा ने भी तो पता नहीं कितनी क्लिक कराई उन लोगों से। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर दूसरे साइड विजिट कर रहे हैं। लिया था मेरे... मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया था ना, ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ एंड ये बहुत अच्छा लगता है। फोटोग्राफर ऐसे क्यों भाग रहे भाई, तुम लोग का तो बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए कैमरा। हम लोग हैं बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग मेन पार्टनर भी हैं, बट क्या ना कि थोड़े से मतलब वैसे रहते हैं। ठीक है। सो फाइनली हम दोनों का शूट कंप्लीट हो गया, मेरा और श्रद्धा का। एंड विवेक हैरी अगर प्रेजेंट हो तो फोटो शूट ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है यार, वो दोनों दिखते ना तो हम दोनों कहते भाई हमारी फोटो क्लिक कर दो, मालिक हमारी फोटो क्लिक कर दो। तो वो दोनों जानते हैं कि ये दोनों फोटोज क्लिक कराए बिना नहीं जाएंगी। एंड फाइनली सब कुछ ओवर हो गया एंड मैंने बड़ी गोटी को बाय बाय बोला। हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा, हम लोग का प्लान था सिविल लाइन जाने का, फिर हम लोग इतना थक गए थे ना, हमने कहा कि सीधे चलते हैं घर अब। एंड यहाँ पे बादल सुंदर दिख गए तो मैंने कहा यार इसको रिकॉर्ड करना है, कुछ भी हो जाए। बहुत सुंदर लग रहे थे बादल यार, आप लोग देखो बताओ कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही सुंदर लगा था। एंड मुझे बड़ी कोठी से श्रद्धा को ये चीज़ मिला था, ये पेपर मुझे भी मिला था बिकॉज मैं वहाँ पे थी तो मुझे भी ये पेपर मिला। ये किसी पब्लिशर, इन्हीं के हिंदुस्तान के पब्लिशर थे। एंड गुड न्यूज़ ये है कि श्रद्धा की नेक्स्ट ईयर या फिर मे बी 2026 और 2025 बुक पब्लिश होने वाली है, तो ये गुड न्यूज़ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। बट मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट मुझे इतनी खुशी है ना उसके लिए कि मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि उसकी कविताएं इतनी अच्छी होती है ना कि उसको कॉल आया था कि हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। यार इतनी खुशी की बात है, नज़र ना लगे, बिल्कुल नज़र ना लगे। बहुत अच्छा लिखती है वो, आपने सुना होगा कितना अच्छा उसने बताया बोला। सो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। आप कुछ एक बार और अगर आप देखना चाहते हो बड़ी कोठी का सेकंड फ्लोर जो बहुत ही सुंदर है यार, तो मुझे बताना, मैं जाऊंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी। सो यार थैंक यू सो मच।